अच्छा यार, तो ये हमारा हॉस्पिटल है। आज हमारे यहाँ पे पल्मोनोलॉजी की क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अच्छा, आज की ब्लॉग में हम आपको एक नए साइकिल से इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैथ फिजियोलॉजी। अच्छा, वैसे पैथ फिजियोलॉजी हमारे किर्गिस्तान में दो दफ़ा हुई है, दो साइकिल्स उसकी हो चुकी है। चूँकि कुछ उसमें टॉपिक्स रहते थे तो वो इधर कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पूरी क्लास में से सिर्फ मैं और एक दूसरा दोस्त है, वो आए हैं। आज वो मेरे साथ था तो हम दोनों साथ में आए हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स का, लीडर अभी तक आया नहीं है। तो कॉन्टेक्ट वगैरह टीचर का लीडर के पास होता है, हम वेट करेंगे उसका और आपसे बहुत सारे बातें करेंगे। पहले कहीं बैठते हैं, जगह ढूँढते हैं, फिर करते हैं एक्सप्लोर इस हॉस्पिटल को। तो मेरे साथ है ये अपना आदिल, ये भी इंडिया से हैं। आदिल राजा इसका नाम है। तो ये हॉस्पिटल जो है ना, ये शहर से तकरीबन, जहाँ से मैं रहता हूँ ना, मैं भी शहर के एक साइड पे रहता हूँ, तो ये हॉस्पिटल शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो क्लासेस के लिए हमें उधर उधर भटकना पड़ता है। किर्गिस्तान में भी यही सीन था, लेकिन वहाँ पर हमारी क्लासेस कभी हॉस्पिटल में हुई नहीं है। हॉस्पिटल में जो भी फ्री जगह मिलता हो ना, कुछ नर्सरी लगाई है इन्होंने और ये बाग बनाया हुआ है बिल्कुल। सेब के दरख्त है, बाकी फ्रूट्स के हैं, ये देख लो। और दूध के तो आपको हर जगह मिलेंगे, दूध वाले दरख्त। तो भाई जगह मिल गई, कहीं देख ये बाग में बैठने की। प्यार कितना खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे पेशेंट्स लाने के लिए कोई भी पेशेंट बनेगा इधर आने के लिए भाई। तो यार, तो जल्दी में घर से निकल गए थे, मैंने कंघी भी नहीं किया देखो, तो और कोई रास्ता नहीं था। तो अब हम ये खाएंगे स्नैक्स, पहले स्नैक्स खाते फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तब तक आप ये नज़ारे चेक करें। छोटी सी बागीचा है, लेकिन ये देखो उसमें सेब का दरख्त, सेब सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और उसमें बाकी खुबानी है, आड़ू तो नहीं है, खुबानी बहुत ज़्यादा है, सेब और खुबानी। बाकी आसपास जितने भी दरख्त होंगे वो फिर शेतूत होंगे, ये उनका इसी तरह उसूल बनाया हुआ है, ये चीज़ होंगे यहाँ पे। तो मेरे साथ है यहाँ पे आदिल ऑफिशियल, आदिल राजा ऑफिशियल। क्या कर रहे हो आदिल यार, बताओ थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में, बताओ कैसा लगा? यार बिल्कुल बढ़िया लग रहा है यार। एक सॉन्ग है ना, दम मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना। तो हम लोग का ओनर जो है बदमाशी करके हम लोग को निकाल दिया फ्लैट से, अब फ्लैट दूसरा ढूंढ रहे हैं यार। तब तक हमसे बाइक है फ्लैट में ठहरे हुए हैं। अच्छा यार, इनका मैंने बताया नहीं, ये तकरीबन एक हफ्ते से इधर उधर भटक रहे हैं। ओनर के साथ थोड़ा मसला हुआ था तो ओनर ने इन्हें निकाल दिया। ओनर निकाला नहीं था बल्कि कब्ज़ा किया था इनके फ्लैट पे। तो बाकी तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली बार ये मसला हुआ है क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। रजिस्ट्रेशन इसलिए बहुत लाजमी था, जब मैंने पहले व्लॉग में बताया था आप लोगों को, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो ना तो आपके साथ अगर बंदा कुछ कर ले भी तो आप पुलिस को भी नहीं बता सकते। ओनर या फिर कोई दूसरा लोकल भी कुछ कर ले तो आप पुलिस को नहीं बता सकते। वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि आप बगैर रजिस्ट्रेशन के आप फेरे रहते तो उल्टा आपको नुकसान होगा। चाहे तो बाकी लड़के भी पहुंच गए हॉस्पिटल की दूसरी साइड पे, हम अंदर बाग में बैठे हुए थे। देखो ये पूरा बाग है, इतना बड़ा। तो ये है उसामा और बाकी ग्रुप मेंबर्स। तो ये है अपना ग्रुप लीडर। भाई बताओ कहाँ कहाँ घुमा रहे हो हमें, हैं? अभी नीचे जाना है क्या? कौन सा ग्राउंड फ्लोर पे? अच्छा, जो स्टूडेंट्स इधर आना चाहते हैं ना, जिनका क्लास होगा इस हॉस्पिटल में, तो भाई ये 18 नंबर बस आती है यहाँ पे।
तो ये शहर के अंदर से गुजरती है, अमीर तैमूर के आस पास ये बस जाती है, तो आप लोग इसी में भी आ सकते हैं। तो फाइनली भाई एक दो घंटे घूमने के बाद हमें हॉस्पिटल मिल गया, वो भी इस बंदे की वजह से, ये इस बंदे की वजह से भाई। इनको तो ये तो 10 मिनट हुए ने, हमें तो कम से कम, मैं और आदिल थे, हमें 1 घंटा हो गया अभी इधर आए हुए। कब कपड़ा बदल? तो मैम ने हमें वापस भेज दिया क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं था। इस मैम का ये रूल है, पहले तो अपने मास्क लेना है लाजमी इस हॉस्पिटल में अगर आना है। दूसरी बात है, इस तरह की कॉपीज़ लेनी है, इधर बाहर सही मिलती है। ये सामने जो शॉप है दारखाना लिखा हुआ है इस पर, इसी से आपको ये वाली कॉपीज़ मिलेंगी, तो एक ले लेना, ये अलग रखना है इसके लिए। ये वाली कॉपीज़ जो है ना, ये बहुत ही लाजमी है, अपने ये लेना है और इसी में ही सब कुछ लिखना है। छोटे से टॉपिक्स होंगे टीबी के, सीओपीडी, इस तरह के पल्मोनोलॉजी का है ये साइकिल। And the smallest ones make their way to the terminal branches of the lung called alveolar spaces or sacs. TB is a deep-seated infection, and the bacteria have to establish themselves in the deeper area of the lung. Over, it's burning. You're so stuck in your head, think I'm leaving. In your mind, I know that you're hurting. That I'll be there. Yes, I'll be there. अच्छा भाई, वेलकम अगेन, हमारी क्लास हो गई ख़त्म। पर टीबी के हवाले से ही सब कुछ था, हमें लगा था कि पल्मोनोलॉजी का कोई लेक्चर होगा या फिर कोई साइकिल वही होगा, लेकिन ये साइकिल ही पूरी टीबी पे, मतलब इस पूरी साइकिल में हम टीबी के बारे में पढ़ेंगे। और हमें बताएगा अभी अपना क्या नाम है, आदिल भाई। अच्छा आदिल भाई, बताओ क्या क्या सीखा आपने? साला बड़ा सेक्सी क्लास था यार, टीचर भी अच्छी थी और मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा था, क्या क्या पढ़ा? आज तो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में था यार, उनके इन्फेक्शियस डिजीज है उनके बारे में, उनका उनका ड्रग्स, उनका ट्रीटमेंट, सब चीज के बारे में पढ़ रहे थे, मज़ा आ रहा था। ये हॉस्पिटल है, तो हेलो दोस्तों, ये है हमारे शम्स बलूच और इसके साथ है द ग्रेट खली, इसके साथ है हमारे हमारे लीडर जी, आप देख सकते हैं। घर पहुंच गए हैं, अभी घर जा कर थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, उसके बाद पढ़ना है जो आज कल का टॉपिक है। और मुझे तो उसने एक्स्ट्रा वर्क होमवर्क भी दिया है कि उसने कहा कि 5 नंबर अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा होमवर्क करो, क्योंकि आपका जो था ना क्वेश्चन बहुत छोटा था, सिर्फ डोज ही था, मैंने डोज बता दिया उसको, तो उसको पूरा नहीं लगा। इस साइकिल में तकरीबन ये 5-6 दिन का साइकिल होगा, 1 दिन गुजर गया, 7 दिन का साइकिल था टोटल,
तो इस साइकिल में पूरा 7-6 दिन तक व्लॉग्स बनेंगे इंशाल्लाह।